आज मैं आपको YouTube और ब्लॉगिंग से रिलेटेड 10 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है तो हम ब्लॉगिंग में जाएं या YouTube में जाएं, ये समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा बीच में फ्रेंड्स, जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि अगर आपने उस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आप कोई गलत डिसीजन ले लोगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। पॉइंट नंबर 1, बेसिक नॉलेज दूंगा। आप सब जानते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपके पास लाइट होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए, एक अच्छा माइक होना चाहिए। ये एक बेसिक सी नॉलेज है। और उसके बाद आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। और ब्लॉगिंग में फ्रेंड्स इसका टोटली अपोजिट होगा, मतलब वहाँ ना लाइट, ना कैमरा, ना एक्शन, और ना ही आपको ऑडियंस के सामने आना है। जो आप वीडियो में बोल रहे हो वही सारी चीजें आपको ब्लॉगिंग में करनी है। ये तो थी एक बेसिक नॉलेज। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा बजट। वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स आपके पास अगर कोई अच्छा स्मार्टफोन है आप उसको यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है DSLR लो। एक अच्छा माइक होना जरूरी है, बोया का माइक मिल जाता है 800-900 रुपए की रेंज में होता है। आप उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने घर के उस कोने में बैठ जाओ जहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है, चाहे वो लाइट आपकी ट्यूबलाइट की है या फिर बाहर से आ रही है। नहीं तो आपके घर के आसपास कोई अच्छा पार्क है तो सुबह के टाइम, शाम के टाइम वहां पे जाओ और वीडियो बना लो। थोड़ा नॉइज आएगा पर आपके पास एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि फ्रेंड्स जिससे आप उस नॉइज को कैंसिल कर दो। आपके पास लैपटॉप PC होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल के अंदर ही एडिटिंग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएगी। और माइक 700-800 रुपए का, ये आपका वीडियो में खर्चा आएगा। ब्लॉगिंग में क्या आएगा फ्रेंड्स, आप ब्लॉगर यूज कर सकते हो और उसके साथ आप एक कस्टम डोमेन ऐड कर लो। कस्टम डोमेन 500 रुपए के अंदर आ जाएगा। अगर आप वर्डप्रेस में जाना चाहते हो तो चीप वेब होस्टिंग को यूज कर सकते हो, साल के आपके 2000 रुपए लगेंगे मुश्किल से। और उसके बाद एक कस्टम डोमेन 300-400 रुपए का, मतलब 2 से 2500 के अंदर आपका काम हो जाएगा। और चीप वेब होस्टिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बजट के हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट सेम है अगर आप ब्लॉगर में जाओगे तो, वर्डप्रेस में जाओगे तो डेफिनेटली 19-20 का फर्क पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट। एक पूरा दिन लगाओ अपने आप पे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज पे है। आप कुछ भी लिखना शुरू कर दो, अगर आप बोर हो गए तो इट मीन्स आपका लिखने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और उसी के साथ फ्रेंड्स आप अपने कैमरे को, मतलब अपने मोबाइल को सामने ऐसी पोजीशन में रख दो, उसके सामने बैठ जाओ और आप बोलना शुरू करो। अब आप ये चीज चेक करो आपके दिल से कौन सी आवाज आ रही है, क्या वीडियो बना के मजा आया या फिर आर्टिकल लिख के मजा आया, क्या दुनिया आपको सुने और देखे या सिर्फ दुनिया आपकी जो चीजें हैं उसको पढ़ने लग जाए, मतलब जो भी आप अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इससे आपको डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। एक दिन क्या आधे दिन के अंदर ही आप ये डिसाइड कर सकते हो। और नॉर्मली हर इंसान को पता होता है कि उसे लिखना अच्छा लगता है या फिर कैमरे के सामने आना अच्छा लगता है। मुझे कैमरे के सामने आना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। इंटरेस्ट अपना जरूर देखें। गलत इंटरेस्ट के चक्कर में फंस मत जाना कि इंटरेस्ट आपका लिखने में और आपने किसी का यूट्यूब चैनल देख लिया कि यार उसने तो अपनी लाखों की इनकम बता दिया तो यूट्यूब में कमाई ज्यादा है। अगर आपका इंटरेस्ट यूट्यूब में है और किसी ब्लॉगर ने आपको ये बता दिया कि मैंने ब्लॉगर से इतने हजार डॉलर कमाए तो आप वो करने लग गए, ये चीज बिल्कुल मत करो। फोर्थ पॉइंट आता है एडवांस नॉलेज। नॉलेज का मतलब फ्रेंड्स अगर आप एक आर्टिकल, मतलब ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके पास आर्टिकल लिखने की स्किल होनी चाहिए। कब फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, कब आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कोट्स कब लगाने हैं, अंडरलाइन कब करना है, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ऑन पेज SEO कैसे करते हैं, SEO की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रो निश कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी आपके पास एक एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, तब उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब में अगर आप जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यूट्यूब में एडिटिंग स्किल्स आनी चाहिए आपको। कैची थंबनेल बनाओ, कोई भी उस थंबनेल को पढ़े और अट्रैक्ट हो जाए और उसी के ऊपर क्लिक करे। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। एक तरह से यूट्यूब SEO आपको आना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है पर इसका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत मेजर आएगा, इसलिए आपके पास ये एडवांस नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रेगुलर। चाहे आप ब्लॉगिंग पे जा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे जा रहे हैं, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं हफ्ते के अंदर 5 वीडियो डालूंगा तो आपको 5 डालने पड़ेंगे। हफ्ते में अगर आपने 5 पोस्ट डालनी है तो आपको 5 डालनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए मंडे को 1 वीडियो डाला, सैटरडे को 2 वीडियो डाला, नेक्स्ट वीक में
वेंसडे को एक वीडियो डाला और उसके बाद उस वीक में वीडियो ही नहीं डाला। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना यूट्यूब चैनल में ना ही पोस्ट में। आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपने व्यूअर्स को अपडेट करना पड़ेगा जिससे वो आपकी तरफ इंटरेक्ट रहे। अगर आप इस तरह से गैप दोगे ना तो फ्रेंड्स आपके जो व्यूअर है उनका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा। मैं 2 महीने वीडियो नहीं डालूंगा, 2 महीने ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, मेरे कितने जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे जो पोस्ट पढ़ने वाले व्यूअर्स है वो सब इनएक्टिव हो जाएंगे। हो सकता है यूट्यूब उनके पास मेरी नोटिफिकेशन ना भेजे, और जो मेरी ब्लॉग पोस्ट रीड कर रहे हैं और वो बार बार विजिट करेंगे, यार 2 महीने से एक पोस्ट नहीं आई, लगता है ये वेबसाइट डेड हो चुकी है, और उसके बाद वो उस वेबसाइट में विजिट ही ना करें। तो आपको रेगुलर होना बहुत जरूरी है। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, सोते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, ठीक वैसे ही यूट्यूब और ब्लॉगिंग को भी वैसे ही लेके चलो, नहीं तो फ्रेंड्स इसमें आपका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। 6th पॉइंट है पेशेंस, सब्र रखो। ये मैं अपने काफी वीडियो में बोल चुका हूँ, अगर आप ब्लॉगिंग में जा रहे हैं, यूट्यूब में जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोनों में आपकी ग्रोथ जल्दी हो जाए। हाँ, अगर आप पेड प्रमोशन करना चाहते हैं अपने वेब पेज की, अपने यूट्यूब चैनल की, गूगल एड्स, बिंग एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इन पे आप जा सकते हो, और इससे इफेक्ट आपको बहुत जल्दी, रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा, पर इसमें आपके पैसे खर्च जरूर होंगे। अगर आप फ्री में चाहते हो तो मेहनत करते रहो और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करो, पर मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिना सब्र के तो आप काम क्या जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए ऐसा हमें लगता है, पर हम नहीं जानते फ्रेंड्स उनके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा हुआ। तो इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो। अभी तक मैं आपको 6 पॉइंट बता चुका हूँ, अब मैं जो पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड्स, अब बताऊंगा अर्निंग से रिलेटेड, कमाई से रिलेटेड 3 पॉइंट्स बताऊंगा। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना बाकी है, उसका इंतजार आप जरूर करें। अर्निंग पॉइंट नंबर 1, फ्रेंड्स आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ये हर कोई जानता है। किसी का भी लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं या अपनी ब्लॉग की पोस्ट में लगा सकते हैं। दोनों में फायदा आपको तब होगा फ्रेंड्स जब आपकी वेबसाइट में अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और आपके वीडियोज में अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तभी एफिलिएट मार्केटिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका एक सोर्स ऑफ इनकम एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम वो हर कोई जानता है, गूगल एड्स या फिर गूगल के जो अल्टरनेटिव होते हैं उनकी एड्स आप अपनी ब्लॉगिंग के अंदर कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट में कर सकते हैं, वहां से भी आपको अर्निंग होगी। पर यूट्यूब के लिए आपको गूगल में ही जाना पड़ेगा, उन्हीं की एड्स को ही यूज करना पड़ेगा। उस समय भी आपको फायदा कब होगा, जब ट्रैफिक आ रहा है या फिर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। 3rd पॉइंट, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस फ्रेंड्स वीडियोज में ज्यादा होते हैं, आप सब जानते हैं आजकल वीडियो का ज्यादा जमाना है, ब्लॉगिंग का भी है, पर स्पॉन्सरशिप आपको वीडियो में ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ब्लॉग पोस्ट। अब मेन क्वेश्चन जिसको मैंने टाइटल में भी मेंशन करा था कि किसमें ज्यादा अर्निंग है, किस्मत से ज्यादा फ्रेंड्स कभी भी किसी को नहीं मिलता, ये मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। वेबसाइट में अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको ज्यादा अर्निंग मिलेगी, और ठीक ऐसे ही यूट्यूब में अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो उसमें आपको अर्निंग मिलेगी, और इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे यूट्यूबर्स के भी, ब्लॉगर्स के भी। आपका इंटरेस्ट किसमें, आप किसमें ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर से कौन सी आवाज निकल रही है कि मुझे वो काम करना चाहिए। और 4th पॉइंट, डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको उससे अर्निंग होने लग जाएगी, वो बात अलग है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, पर अर्निंग आपको जरूर होगी। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं बता सकता कि ब्लॉगिंग करो तो उसमें अच्छी अर्निंग होगी, यूट्यूबर बन जाओ तो उसमें अच्छी अर्निंग होगी। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब की बात करूंगा, कोई ब्लॉगर है तो डेफिनेटली वो ब्लॉगिंग की बात करेगा, पर अपने अंदर की आवाज जरूर सुनो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ और ये सच्चाई है, अगर आप इस सच्चाई को समझ लोगे तो आपके लिए डिसीजन लेना और इजी हो जाएगा। जब भी आप अपनी ब्लॉग की पोस्ट लिखोगे वो एक यूनिक आर्टिकल होगा, उस पोस्ट को आप अपनी दूसरी या तीसरी वेबसाइट में नहीं ऐड कर सकते, करोगे तो डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा। जो आपकी पोस्ट गूगल में रैंक हो रही है वो भी रैंक नहीं होगी, पर अगर आप यूट्यूब में एक वीडियो बनाते हो, शॉर्ट्स आजकल बहुत चल रहा है, आप सब जानते हैं इंस्टाग्राम का रील्स, फेसबुक का शॉर्ट्स, रोपोसो, मोजो, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पर अगर आप अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाओगे तो फ्रेंड्स उसको आप सारे प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो और उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट का इश्यू नहीं आएगा। मतलब मेहनत एक, फायदा अनेक, आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका एक वीडियो चल गया तो वहां से स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर अगर उस नेटवर्क में ऐड की ऑप्शन है, जो भी नहीं है, आने वाले टाइम में अगर होगी तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, पर ब्लॉगिंग में एक यूनिक आर्टिकल, मतलब एक यूनिक आर्टिकल।
डिसीजन लेना आपका काम है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करा है। आई होप आपको ये यूजफुल वीडियो लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।